हमारे भारत देश में सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं, जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को अभी हैरान कर देते हैं, जिसे भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर में शुमार किया जाता है। और इस मंदिर से जुड़े काफी सारे रहस्य हैं, जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देखनी है। कोणार्क सूर्य मंदिर मनुष्य जाति को यही चित्रा ले रहा है कि जहाँ जीवन यौवन का भी चिरस्थाई नहीं है, बाकी जो रहा आप लोगों को मंदिर के अंदर चारों ओर से घूम के देख के ही आना है। मगर एक चीज आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे और एक भी चीज था जो अभी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टोटल मंदिर का जो डिजाइन था वो एक रथ के माफिक था। सुरेश भगवान का रथ का ड्राइवर का नाम है अरुण। बनाने वालों ने अरुण के नाम पर एक पिलर रखे थे और पिलर का नाम अरुण स्तंभ। मगर 18 सेंचुरी में मराठा गुरु ब्रह्मचारी बाबा और पुरी की राजा दिव्य सिंहदेव उसको उखाड़ कर जगन्नाथ मंदिर के लायंस गेट के सामने लगाया। अगर आप लोग देखे होंगे जगन्नाथ मंदिर, तो लायंस गेट के सामने बिल्कुल एक बड़ा वाला पिलर है, पिलर यहीं का था, बट अभी यहाँ पे देखिए। उसके बाद जब आप लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, देखेंगे बहुत सारे दोनों तरफ सेम स्टैचू, एक आदमी के ऊपर हाथी सवार है, हाथी के ऊपर लायन सवार है। आप लोग जितने भी सारे हिंदू टेम्पल घूमिए, हर हिंदू टेम्पल में आप लोगों को एलिफेंट और लायन देखने के लिए मिलेगा, मगर ये हिंदू टेम्पल में एक मूर्ति ज्यादा लगाया, इंसान को लगाया। ऐतिहासिक लोगों का कहना है जब 13 सेंचुरी में मंदिर बन रहा था तो 1200 कारीगरों में से सभी हिंदू नहीं थे, हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, चाइनिस्ट थे। मगर आप लोग जो कोई भी हिंदू टेम्पल में जाइए, पहले एंट्रेंस पर देखेंगे क्या ना लायन, क्योंकि हिंदुइज्म का प्रतीक लायन को माना जाता है, बुद्धिज्म का प्रतीक हाथी को माना जाता है, जैनिज्म का प्रतीक इंसान को माना जाता है, उनका सिंबॉलिक होता है 24 वर्धमान। मगर इस मूर्ति देखने के बाद फिलोसोफर मुलकराज अरन बताया, जब इंसान के पास पैसा और पावर दोनों इक्वल चलाता है, जब उसका मन में गर्व अहंकार घमंड आता है, तभी उसका पतन होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर बता रहा है हमारा दर्शन करने से पहले गर्व अहंकार को बाहर छोड़कर हमारे दर्शन कर सेंट ज्वेल की लगा। देखिए कोणार्क का भास नॉलेज, आप लोग 40 मंदिर देखेंगे और आप 15-20 में समझाते हैं कि मंदिर के अंदर क्या क्या है, पॉसिबल यहाँ मूर्ति का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता, मंदिर तो बहुत दूर की बात है। कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर एवरी फिगर हैज अ स्टोरी, हर एक मूर्ति की कहानी। आप लोग क्या की स्टोरी में आए हैं, इतने सारे बात हम लोग कैसे बताएंगे, अभी हम लोग रुकेंगे, बस जितना बता रहा था मैंने बता दिया, एक सारी चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसी जगह से कोणार्क सूर्य मंदिर का फाउंडेशन स्टोन स्टार्ट होता है, वहां पे देखिए बाएं तरफ चंद्रभागा लाइट हाउस, पुरी में भी लाइट हाउस अगर आप लोग देखे होंगे ऊपर चढ़ने देते हैं, देखिए इधर रेड एंड व्हाइट कलर का पिलर जो दिख रहा है, सब प्राइवेट बस गाड़ी सब यहीं पे रुकेगा, बट यहाँ से मंदिर 3 किलोमीटर। और आप लोग जहाँ से निकलेंगे भीड़ के फॉलो करके आप लोग नहीं जाएंगे तो पार्किंग में पहुंच जाएंगे, उधर गाड़ी नहीं मिलेगा, पार्किंग बहुत दूर है। जा रहे हैं कोणार्क मंदिर में, जो कि 800 साल पुराना मंदिर है, और ये मंदिर बंद होता है तो अंदर नहीं घुसेंगे, कोई भी नहीं घुस सकता है। आधे घंटे का टाइम है हमारे पास यहाँ पे, और हम आ चुके हैं कोणार्क मंदिर में। देखिए कितना शानदार दिख रहा है दूर से, चलिए अभी पास जाकर देखते हैं। पहुंच चुके हैं कोणार्क मंदिर में। आप जब भी भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करने आए, यहाँ पर जरूर आए। ये मात्र 35 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी मंदिर से, और यहाँ पर आने का और यहाँ पर सारी जगह घूमने का सबसे सही साधन रहेगा OTDC टूर पैकेज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, OTDC टूर पैकेज, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट ने निकाला है, सब्सिडी के थ्रू आपको यहाँ पर घुमाएंगे और बहुत ही रीजनेबल, एकदम कम प्राइस में आपको यहाँ पर पूरा घुमाया जाएगा। तो आइए चलते हैं और कोणार्क मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है मंदिर का मंडप। इसके अंदर जाना अलाउड है, बट मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हम चलते हैं मंडप के अंदर, जो कि काफी ओपन है अभी। बताया जाता है इस मंदिर को पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें भगवान सूर्य देवता की एक विशाल भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। ये है कोणार्क टेम्पल, 800 साल पुराना मंदिर है, जो कि ध्वस्त हो चुका था मुगलों द्वारा, इसके बाद ये मंदिर बंद कर दिया गया।
खंडित बोल सकते हैं, और खंडित मंदिर को मंदिरों की पूजा नहीं की जाती, ऐसा है हिंदू धर्म में मान्यता। तो ये है कोणार्क मंदिर। इस मंदिर की संरचना सूर्यदेव के रथ की तरह की गई है। इस मंदिर को आपको मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर पूरी तरह से रथ की तरह बनाया गया है। देखिए, ये है कोणार्क मंदिर। ये जो आप चक्का देख रहे हैं, आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए, ये जो आप नोट देख रहे हैं, बस यहीं का चक्का है, यहीं का टायर यूज है। और ये है सूर्य मंदिर पूरा, एकदम वही चक्का है, उसी की फोटो बनी हुई है। यहाँ का जो मंदिर बोल सकते हैं, ये कोलैप्स हो गया है, खंडित हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर पूजा नहीं की जाती है अभी। और यहाँ पर अंदर घुसना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर पूरा बहुत ज़्यादा डैमेज है मंदिर, इस वजह से, यही कारण अंदर घुसने नहीं दिया जाता। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऊपर एंट्री लेना मना है, और गिर भी सकता है कुछ पार्ट्स, इस वजह से मना है अंदर चढ़ना। हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड का जीवन का स्रोत माना जाता है, और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश पर एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको सात बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर को बनाया गया है, जिसके चलते यह सूर्य देव का रथ सा ही लगता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पहियों के 12 जोड़ियां लगाए गए हैं, साथ ही सात घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से लगाए गए हैं कि उन्हें देख कर लगता है कि वह मंदिर को खींच कर ले जा रहे हों। मंदिर के दोनों तरफ लगे पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीने को दर्शाते हैं, और इन पहियों के मदद से समय का सही अंदाजा भी लगाया जा सकता है। असल में ये पहिए एक ऐसे सनडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट्स और सेकेंड तक का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां होती नहीं थी, इसलिए लोग इस पहिए को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो देखने में काफी अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन काम देखने को मिलता है, और यहाँ बनाया गया हर एक स्कल्पचर का अपना अलग ही मीनिंग है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को काफी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, लेकिन उन सभी में से सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक है जो इस मंदिर के शीर्ष पर लगी हुई थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मंदिर के ऊपर लोडस्टोन नाम का एक 52 टन का एक पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस विशाल चुंबक के वजह से मंदिर के अंदर स्थापित की गई सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, और मूर्ति का इस प्रकार से हवा में लटके रहना किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इस चुंबक का क्या हुआ, और आज के समय में यह चुंबक कहां मौजूद है, इस पर अलग अलग लोग अपनी अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी यह है कि शुरुआत में यह मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर समुद्र से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं इस मंदिर पर लगाया गया वह चुंबकीय लोडस्टोन इतना शक्तिशाली था कि उसकी वजह से समुद्र पर गुजरने वाले जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था। कहा जाता है कि पुर्तगालिक नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को अपने साथ ले गए थे, और इस मंदिर से मैग्नेट का निकलना ही इस मंदिर को गिरने का असल कारण बना। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसे पुर्तगालिक नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में घुसे मुगलों ने इसे नष्ट किया। खैर, जो भी हो, ये मंदिर अब भी बहुत खूबसूरत है, और इस मंदिर में काफी सारे रहस्य आज भी दबे हुए हैं, और उनकी रिसर्च आज भी चल रही है। ये यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें अभी हम अंदर गए नहीं, क्योंकि हमें काफी लेट हो रहा था, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। और ये देखिए, यहाँ पर लोग पूजा करवा रहे हैं। और वीडियो के अंत तक आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे कोणार्क मंदिर के दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे।